भगवान महाकाल की प्राचीन समय से सन्यासियों का एक विशेष वर्ग करता आया, और सन्यासियों के उस विशेष वर्ग का जो महंत होता है वही भगवान महाकाल पर भस्म का लेपन किया, और प्रातःकाल नित्य भगवान महाकाल की भस्मारती उसी क्रम से करते हैं जिस क्रम से आज के हजारों वर्षों पूर्व होती थी, और यही भगवान महाकाल की मुख्य पूजा मानी जाती है। भस्मारती का समापन प्रचंड अग्नि, डमरू की तीव्र ध्वनि एवं शंख के जोरदार स्वर के साथ किया गया। प्रातः काल भस्म आरती के बाद 7 बजे दद्योदक आरती होती है, दही और चावल का भोग लगाया जाता है। दोपहर 10 बजे भोग आरती होती है जिसमें भोग का अर्पण किया जाता है। शाम 5 बजे भगवान महाकाल का पूजन श्रृंगार होता है जिसमें भगवान महाकाल को भांग समर्पित की जाती है। उसके बाद जल चढ़ना बंद हो जाता है। शाम 7 बजे संध्या भोग आरती की जाती है। संध्या काल में आरती के दौरान तेज नगाड़ों, ढोल, घंटियों के साथ महाकाल का वंदन किया जाता है। जो संध्या आरती होती है, संध्या आरती को मृदंग आरती भी कहा जाता है, तो वो आरती का दिव्य दृश्य ऐसा लगता है कि कोई राजा की राजा का मनोरथ हो रहा है। भगवान राजा के स्वरूप में बैठते हैं, अवंतिका के राजा है, ब्रह्मांड के राजा है, और ऐसी मान्यता है कि यहाँ कोई भी दूसरा राजा रात्रि विश्राम नहीं करता, महाकाल ही स्वयं ब्रह्मांड के राजा है। संध्या आरती का सुंदर चित्रण कालिदास ने अपने ग्रंथ मेघदूत में कुछ इस प्रकार किया है। हे मेघ, जब तुम उज्जैनी जाना तो महाकाल के दर्शन अवश्य करना, वहां की संध्या आरती को अवश्य देखना। संध्या काल में लाखों की संख्या में पक्षी मंदिर के प्रांगण में लगे पेड़ पर एकत्रित होते हैं और आरती की भव्यता पर 4 चांद लगा देते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में गर्भगृह के अलावा 2 और महत्वपूर्ण हिस्से हैं। सबसे ऊपरी तल पर मौजूद है नागचंद्रेश्वर, जिनके दर्शन केवल नागपंचमी के दिन ही होते हैं, और उसके नीचे मंदिर के पहले तल पर ओंकारेश्वर रूप में शिव विराजमान है। सिंहस्थ कुंभ उज्जैन का महान धार्मिक पर्व है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ है कलश। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद अमृत लेकर जाते समय अमृत की 4 बूंदें कलश से छलकी और पृथ्वी पर गिर गईं। उसके बाद उन 4 स्थानों हरिद्वार, नासिक, प्रयाग और उज्जैन में कुंभ मेले की प्रथा का जन्म हुआ। कुंभ के दौरान चैत्र मास की पूर्णिमा से लेकर वैशाख की पूर्णिमा तक पवित्र क्षिप्रा नदी में स्नान करने को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। This is the 12th cycle. ये 12 साल के सौर चक्रों का 12वां चक्र है। इसे सिंहस्थ कुंभ कहा जाता है। महाकाल के दर्शन हेतु श्रद्धालुओं की भीड़ सदियों से लगती रही है। हमारा सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि आए, महाकाल की नगरी है, अवंतिका है, यहाँ पर उनको सब चीज सुलभता से मिलेगी, पर एक निष्काम भाव से आए। भगवान शिव के चरण स्पर्श का महत्व, अर्थात भगवान शिव के चरणों में स्पर्श है, लाके लिंग पे स्पर्श है। दूर से ही भगवान शिव को भी यदि नमस्कार कर लेता है, दूर से यदि भगवान शिव को किसी जल पात्र के माध्यम से भगवान पर जल चढ़ा देता है तो भगवान महाकाल के ऊपर जल चढ़ता है, यह भावना लेकर आए। भगवान के ऊपर जो जल चढ़ रहा है, जल लेने की प्रथा जो निर्माल से लेने की प्रथा है वो जलाधारी से है। कुछ लोग श्रद्धालु भगवान का जो कलश चढ़ रहा है उसमें से जल लेते हैं, वो गलत है। भगवान महाकाल को मस्तक नहीं लगाना चाहिए, उनको या तो जलाधारी में स्पर्श करे वो, दूसरा मंदिर की एक मर्यादा है उसका पालन करे। अपनी जो भी शासन के द्वारा जो व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था का पालन करें। सदियों से सभी के स्वागत में हाथ जोड़े खड़ी हैं मंदिरों की नगरी उज्जैन, और सदियों से भक्तों को अपनी कृपा के आगोश में भरकर उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हुए विराजमान है कालों के काल महाकाल। एक बार फिर हम आप सबका इस उज्जैन नगरी में स्वागत करते हैं।